राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं। धुले में इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सभा को संबोधित कर रहे राहुल, सुनते हैं। 18% अदानी देगा, आपकी आमदनी कितनी है? 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, उसकी कितनी है? करोड़ों नहीं, लाखों करोड़ रुपए। मगर जीएसटी वो इतनी देगा जितनी ये देंगे। सड़क ले जाएगा आपकी, एयरपोर्ट ले जाएगा, पोर्ट ले जाएगा, किसानों का अनाज ले जाएगा, स्टोरेज फैसिलिटी ले जाएगा, सब उठा के ले जाएगा, ट्रेन ले जाएगा, रेलवे ले जाएगा, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब उठा के ले जाएगा। पैसा किसका? आपका। और आप देखते जा रहे हो, आप देखते जा रहे हो। आ जाओ ऊपर, मैं दिखाता हूँ, आ जाओ यहाँ। अब इन्होंने आ जाओ, जो ऊपर खड़े हो। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ हिंदुस्तान की सरकार। पूरा नाम क्या आता है? यहाँ बैठा पूरा नाम क्या आता? संतोष पाटिल जी ने ईडी सीबीआई की बात की है ना भाई? आपने कहा ना कि ईडी सीबीआई का प्रयोग होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। जरा खड़े होइए। अब देखिए, ये हिंदुस्तान की जनता है, ठीक है? सबसे पहले अगर आपको इनका जेब काटना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कैंची तो बाद में आएगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इसका ध्यान उधर उधर करो, ठीक है? अब देखो भैया, एक काम करो, वो देखो, उधर देखो, वो देखो भैया, मोदी समुद्र के नीचे है भैया, वो उधर देखो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी महाराष्ट्र के धुले में और इस समय एक सभा को संबोधित कर रहे हैं और सीधे निशाने पर मोदी सरकार को ले रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।